फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज फिर से लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं और मैंने ये 11 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे हमने ये 40 फंदे डाल लिए हैं। और मैं ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए आपको पगड़ी बताऊँगी, इसी के साथ कि मैं आपको ड्रेस भी बताऊँगी। और मैं ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ही आपको ड्रेस बताऊँगी। तो यहाँ पर हम पगड़ी बनाते हैं और मैं ड्रेस को भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कान्हा जी की पगड़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल से पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 40 फंदे सिंपल धागे से ही सिंपल तरीके से ही डाल लिए हैं और 3 प्लाई वाली ऊन ली है दोनों मैंने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं हम आपको। इसी तरह से मुझे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा इसको बनाना है और इस पगड़ी के साथ की आपको ड्रेस भी मैं बताऊंगी। और ये ड्रेस जो हम बताने वाले हैं आपको, फुल बाजू की ड्रेस आपको बताएंगे निडल से ही। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं ये इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा इसको बना लेती हूँ। बस यहाँ पे हमने ये 5 सिलाइयाँ बना ली हैं और देखिए मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाया है। 2 सिलाइयाँ मैंने बीच में वाइट की डाल दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 सिलाई पर ये देखिए हम फंदे बंद कर देंगे। बिल्कुल आसान है ये। ये देखिए इस तरह से 6 सिलाई पे मैं यहाँ पे फंदे बंद कर रही हूँ। तो ये हमारी ये देखिए 2 सिलाइयाँ ऊपर की हो जाएंगी और 2 सिलाइयाँ फंदे घटाने के बाद इस तरह से हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ये सभी फंदे बंद कर लेते हैं इसी तरह से। हमने ये 6 सिलाई पे सभी फंदे बंद कर दिए हैं। ये आप बहुत आसानी से इसको बना सकती हैं। ये मैं आपको इसे आप नॉर्मल ऊन से भी बना सकती हैं। मैंने 3 प्लाई वाली ऊन लगाई हुई है। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से दोनों परतों को बराबर बराबर इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए और यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है। धागा रख के सिलाई कर सकते हैं और आप अलग से भी धागा डाल के सिलाई इसकी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम टोपियों को थोड़ा सा खुला ही बनाते हैं ताकि ये बालों के ऊपर से अच्छे से आ चुके। यहाँ पे टोपी बनके कंप्लीट है और ये देखिए हमने काफ़ी खुली बनाई हुई है। ये हमने इसको सिल दिया है और सीधा भी कर लिया है। ये बहुत आसान तरीके से ये टोपी बन जाती है और थोड़ा सा हमने इसको खुला ही रखना होता है क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को बालों के ऊपर से पहनानी होती है, इसलिए। ये देखिए तो काफ़ी सुंदर लग रही है। इसके साथ की मैं आपको ड्रेस जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से बन जाती है ये। आप इसे जल्दी से बना के कंप्लीट करके अपने लड्डू को पहना सकती हैं। ये देखिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये टोपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।